दोस्तों नमस्कार। आज बात आपने बहुत बारी पहले हालांकि हमने डाला हुआ है कि वेट गेन और मसल गेन, मसल साइज के लिए क्या डाइट होनी चाहिए। ट्रेनिंग तो हमने बताई है मुकेश, हमने वेट लॉस पे तो अभी डाला पीछे अभी हमारा डाला है। अब वेट गेन पे भी थोड़ी सी बात हो जाए ताकि लोग बच्चे वेट गेन के चक्कर में पहले दिन से ही वेट गेन करना चाहते हैं, जिन्होंने कभी जिम नहीं किया और जाते ही बहुत सारे सप्लीमेंट खरीद लेते हैं, फिर बाद में उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। ये क्या वेट गेन के लिए अगर कोई बिगनर है और मीडियोकर है कैसा करना है? वो एकदम से सडनली जाते ही डाइट भी एकदम से बढ़ा देंगे, सप्लीमेंट भी बहुत सारे काम कर देंगे, या तो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी या वो पता ही नहीं पाए ना खा पाएंगे, दो चार दिन तो खाएंगे फिर इनडाइजेशन हो जाएगा। वही बात है, तो ग्रेजुअली बढ़ाना होता है डाइट को धीरे धीरे, खासतौर से जैसे जैसे आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती जाए डाइजेशन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। आप एक केला खा रहे हो, पहले दिन मैंने देखा वो एक बच्चा आ गया, भाई मैं 6 केले सुबह खाता हूँ 6 शाम, ऐसे तो ठीक नहीं है मेरे ख्याल। वैरायटी होनी चाहिए डाइट में, एक ही चीज से सारा। हाँ, वैसे वेट गेन के लिए बेस्ट चीज़ें क्या है, आप क्या सोचते हैं? हमने तो एक तो शुरू से जो किया है वो तो ट्रेनिंग से पहले दही आलू, वैसे तो कई लोग उसको मजाक में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, ये सीक्रेट ऑफ मैराडोना है। आप कभी बुक पढ़ोगे ना, मैराडोना का सीक्रेट है। और बाद में केले चिकू शेक, वो हम आज भी नए बच्चों को बताते हैं, यही बताते हैं। हाँ, जो थोड़ा सा एडवांस एथलीट हो जाते हैं उसको थोड़ा सा और डाइट भी लिया, प्रोफेशनल डाइट पे। मान लो अगर थोड़ा बॉडी बनाना है तो फिर कौन सा प्रोटीन कितने टाइम होना चाहिए? प्रोटीन आफ्टर ट्रेनिंग एक बार ले वो काफी है, अगर आपका बजट अच्छा है तो ज्यादा से ज्यादा दो बार ले। और बीसीए? बीसीए ट्रेनिंग के बीच में ले सकते हैं, वही है जी लग्जरी सप्लीमेंट की, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। नहीं तो फिर वो ग्लूकोन डी भी ले सकते हैं। नहीं तो वो भी ले सकते हैं। तो हम तो नींबू नींबू पानी चीज नींबू का पानी आप बताते थे, वो बेस्ट है, वो भी ठीक था। वो मेन तो रिकवरी है ना, वो जो स्वेट करते हैं आप उसमें जो मिनरल जाते हैं उसको रिकवर करने के लिए, क्योंकि आप वेट गेन कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे सोचते हैं 2 रुपए वाली चीज बता दी, तो कई बच्चे वही रहता है, ये वाली महंगा पीना है। और राइस कितने बार दिन में? 2 बार? हाँ, 2 बार भी खा सकते हैं। मीडियोकर पोर्शन? हाँ, अपनी भूख से थोड़ा कम रखें, कभी ज्यादा भूखे तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन भूख से हल्का सा कम रखें। और रात को बिल्कुल पेट ठूस के नहीं, रात को कार्ब्स अगर आप कम लेंगे तो अच्छा जी। किसी ने शाम को ही ट्रेनिंग करी 8-9 बजे वो तो ले वैसे, जो सुबह ट्रेनिंग करते उनको मेरे ख्याल रात को ज्यादा कार्ब की जरूरत नहीं। और चिकन जो जो बच्चे दिन में 2 बार खाए या 1 बार, मीडियोकर वाले, मीडियम रेंज वाले, अगर जैसे वो 300 ग्राम 1 बार खाता तो उसी को 2 बार कर ले, वो ज्यादा काम, वो 150 खा जी। और जो कहते हैं मैं 3 बार चिकन खाता हूँ वो देख, और ये अंडे मुझे बताओ, अंडे का बड़ा इनको चक्कर है, अंडे मैं तो ये बोलता हूँ 6-6 अंडे खा लो, 4-4 खा लो अंडे एक बार में, जो नया बच्चा है वो 4-4 3-3 भी खा। हाँ जी, अगर आपके बॉडी वेट 60-70-80 किलो तक है तो 6-5-6 अंडे काफी एक बार में, एक बार में। बाकी जितना बिग होते जाओगे एक एक दो बढ़ा भी सकते हो, पर ये 20-25 अंडे वाली गेम तो मुझे ना एक बार में इतना जरूरत भी नहीं होती, जरूरत नहीं है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भी 20-20 अंडों पे गए थे, हमने करके वो देख लिया कि उसमें कुछ नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि हम सीखे सिखाए, कोई भी ऐसे पैदा ही नहीं हुआ जी। ये सब आप लर्न करते हो, जब आप मिस्टेक्स करते हो उन्हीं से आप सीख के आप लर्न करते हो, ये वाली बात है। ये जो मैं और ये कुछ क्रिटीन ले लें, क्रिटीन अच्छा प्रोडक्ट है जी, वो आपकी स्ट्रेंथ भी ये नहीं करेगा और साइज में भी आप क्रिटीन अच्छा है ज्यादा, लेकिन उसको और जो बिगनिंग लेवल में बच्चे प्री वर्कआउट यूज करते हैं बड़ा हैवी वाला कर लेते हैं, प्री वर्कआउट ये हैवी वाले तो घुमा देते हैं जी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, और प्री वर्कआउट से हमेशा ही क्रिटीन अच्छा होता है वैसे तो। कभी आपको लो एनर्जी फील करते हैं कभी कभार, ले लिया 1/2 स्कूप 1 स्कूप, पर उस लेवल का वर्कआउट भी होना चाहिए, फिर वैसी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और वैसा आपका डाइट पे भी वैसा ही फोकस होना चाहिए। और सलाद 2-3 बार ले लें? हाँ जी, सलाद रख सकते हैं हर मील में, फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा मील में ले सकते हैं। और सलाद का ये भी फायदा है कि आपका पेट डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहे ना, आप इतना खाना खा रहे हो आते क्लियर, आप दलिया भी खा सकते हो, ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। हाँ, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। अच्छा, दलिया में डाल के खा लीजिए आप, पॉरेज बना लीजिए उसमें डाल के आप खा लो, अगर आप चावल नहीं खा रहे तो उपमा या पोहा भी खा सकते हो, उसमें भी कार्ब्स है, वो सिंपल है, वो इजीली कुक्ड है और उसमें आप डाल के खा सकते हो। और थोड़ा धनिया पुदीना जरूर खाएं, पेट को भी ठंडा रखेगा, आयरन होता है उसमें, दही में डाल के खा सकते हो। और वाइल्ड पोटैटोज या कोई आजकल बड़ा स्वीट पोटैटोज कहते हैं लोगों, शकरकंदी वाला जो, वो भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। और वो पानी बहुत जरूरी, कई बच्चे सोचते हैं पानी पीऊंगा पेट भर जाएगा, खाना नहीं खाया जाए, ये
ये वाली बात जो हम पहले बोलते थे अब लोग उसको फॉलो भी करते हैं। पानी इतना जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है। बिल्कुल जी, डाइजेशन सबसे बड़ा न्यूट्रिशन है पानी, सबसे बड़ा। और ये नहीं है कि खाने के बीच में पिए, खाना खत्म करने के बाद थोड़ी देर बाद पी ले, और सुबह उठ के जरूर पिए। बिल्कुल, 3-4 गिलास आप जितना भी पानी पी सकते हैं, क्योंकि जो भी आप पेट में डालते हो, इंटेस्टाइन में डालते हो, वो जाके आपको इंटेस्टाइन को अकड़न कर देता है, फिर बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपने सारी डाइट खाई, पेट को पेट में गई, लेकिन पेट को तंदुरुस्त रखने के लिए आपने क्या खाया? पानी, पानी पिए ज्यादा, पपीता खाएं, पपीता सलाद खाएं, पेट और दही खाएं जी। पेट को ठीक रखने की चीजें भी खाएं, जिसके अंदर सारी सप्लाई जा रही है। अगर वो गोडाउन लीक है या उस गोडाउन में हवा नहीं आ रही, तो सारी चीजें खराब है ना। खाना काफी नहीं, पचाना भी जरूरी है, पचाना भी जरूरी है, खाने से पचाना जरूरी है। यही हमने बताया, जो नए बच्चे हैं वो केले चीकू का शेक भी पी सकते हैं, आलू दही खा सकते हैं, और जिन बच्चों के पास थोड़े पैसे हैं वो क्रिएटिन भी ले सकते हैं, प्रोटीन भी ले सकते हैं। जो मीडियोकर में गए, मुकेश जी ने बताया कि 2 बार अभी आप प्रोटीन ले सकते हो, बजट के ऊपर है। अगर पैसे हैं तो BCA ले लो, पैसे नहीं है तो आप ग्लूकोन सी, नींबू पानी, चीनी, नमक भी ले लो, और बाकी दाल चावल ये सब खाने हैं। अंडे 20-25 पे नहीं जाना, 6-6 अंडे बहुत हैं। अगर आप ठीक बॉडी बिल्डिंग रेंज में आ गए तो 6-6 बहुत हैं, 8-8 बहुत है, 8 तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मल बच्चा जो है ना, शुरू वाला, 2-3 से शुरू करें, 2-3 से शुरू करें, और येलो भी खाए जी। जो यंग बच्चा है वो तो येलो खाएगा, हम लोग नहीं खा सकते। तो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, ये सारी बातें बताते रहेंगे, सप्लीमेंट भी बताए हैं, आगे आते रहेंगे। अभी हमने आपको वेट लॉस की डाइट बताई थी, अब ये बता रहे हैं, आगे चलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।